वृद्धि संधि के अंतर्गत सूत्र है वृद्धि रेखी। इस सूत्र का विशेष रूप से विवरण देखोगे तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए या ए आए तो अ हो जाएगा। जैसे अ के बाद यदि ए आए तो भी आई, आ के बाद यदि ए आए तो भी आई, अ के बाद आई आए तो भी ए, आ के बाद ए आए तो भी ए। मात्रा इसमें दो होगी, जैसे एक प्लस एक एक है, एक के का मैं हलंत लगाया तो अ मिला और एक का एक अ और ए मिलकर के ए बना। यह ए क में आकर के संयोग किया ये पद बन गया हमारा एक ए। दूसरा सूत्र है वृद्धि संधि का, अ या आ के बाद एक ओ और औ आए तो औ बनेगा, अ प्लस ओ आए तो औ, आ प्लस औ आए तो भी औ, आ प्लस ओ आए तो भी औ, आ प्लस औ आए तो भी औ। इस तरह से वन प्लस औषधि पद बना वन औषधि। वन औषधि में वन के न में हलंत लगाएंगे तो मिलेगा अ और औषधि का औ, तो अ और औ मिलाने के बाद बना औ। तो वन का न हलंत औ आकर यहाँ पर संयोग किया तो यह हमारा पद बन गया वन औषधि। इस तरह से वृद्धि संधि के दो सूत्र, अ और आ के बाद ए आई आए तो आई, आ और आ के बाद ओ और औ आए तो औ, यह बनेगा वृद्धि संधि में मुख्य सूत्र। दो ही सूत्र हैं, तीसरा नहीं। उदाहरण के तौर पर हम एक और देख सकते हैं, जैसे न प्लस एव पद बना नएव। कैसे बना? न में हलन ए सॉरी अ, न में हलन अ प्लस एव। अब ये न से मिला हुआ अ और ये ए दोनों को मिला दिए बन गया आई और ये पद बना न प्लस आई प्लस वा, ये बन गया नएव, क्योंकि ये आई आ करके इसमें मिला और संयोग होने से हलंत हट गया। इस तरह से बना नएव। जैसे महा प्लस ओज, अब आप देखोगे महा का ह हलंत किया मिला आ और इधर ओज का ओर, इन दोनों को मिलाया तो मिला औ और ये संयोग बना, संयोग हुआ म प्लस आ प्लस ज, ये ओ आकर के इसमें मिला और हमारा पद बन गया महौज। इस तरह से यह वृद्धि संधि हो गई। म के हम या हलंग आ और ओज का ओ, आ और ओ मिल करके औ का हमें संयोग तो पद बना महौज। इस तरह से वृद्धि संधि में दो सूत्र, आ के बाद ए आए तो ऐ, आ के बाद ओ औ आए तो औ।